हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के, वो चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, या तो एग्जाम में आ चुके हैं या आने के चांसेस जिसके ज़्यादा है, एग्जाम वारंटेड जो क्वेश्चन है उसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। तो SP का चैप्टर 2 हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इसके 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हो, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ से आप लोग देख सकते हो। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो यहाँ पर लिखा है, इन इंडिया शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनी कैन लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। बोलता है कि इंडिया में क्या होता है, इन इंडिया शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी क्या होता है, कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड होता है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होता है, BSE में, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होता है। ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन, सम ऑफ द इंडियन कंपनी स्टॉक शेयर ऑल्सो लिस्टेड इन द ट्रेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। बोलता है कि जैसे जब से ग्लोबल बोलते ना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, तो इंडिया के कुछ कंपनी के शेयर सिर्फ इंडिया में नहीं ट्रेड होते, फॉरेन के भी इंडिया सम ऑफ द इंडियन कंपनी स्टॉक शेयर्स आर ऑल्सो लिस्टेड ऑन द स्टॉक ट्रेड इन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। अगेन दोज इंडियन कंपनीज विच कैन नॉट लिस्ट देयर शेयर डायरेक्टली ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज कैन बी गेट द शेयर लिस्ट इनडायरेक्टली बाई यूजिंग ADR और GDR। और जिस कंपनी का शेयर फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली लिस्टेड नहीं हो सकता या नहीं होता है, वो कंपनी अपने शेयर को कैसे लिस्टेड करती है, ADR और GDR, मतलब ADR और GDR के साथ लोग खरीद और बेच सकते हैं फॉरेन कंपनी के शेयर्स को, फॉरेन में इंडियन कंपनी के शेयर्स को और इंडिया में फॉरेन कंपनी के शेयर्स को ADR और GDR के थ्रू खरीदा और बेचा जा सकता है। ADR एंड GDR आर द डॉलर और यूरो डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है। ADR और जो DGDR है दोनों क्या, एक डॉलर और एक यूरो डोमिनेटेड यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है। USA एंड यूरोप में, यूरोपियन कंट्री, द डिपॉजिटरी रिसिप्ट विच आर ट्रेडेड इन USA आर कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बोलता है जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट ट्रेड होता है कहाँ पे, USA में, उसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR बोलते हैं। एंड द डिपॉजिटरी रिसिप्ट विच आर ट्रेडेड ऑल दी फॉरेन कंट्री एक्सेप्ट USA, USA को छोड़ के और भी फॉरेन जो कंट्री है, USA में जो होता है वो ADR होता है, और USA के छोड़ के अदर जितने भी कंट्री है, रिसिप्ट विच इज ट्रेडेड इन द फॉरेन कंट्री एक्सेप्ट इन द USA कॉल्ड, उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या बोला जाता है। द डिपॉजिटरी बैंक इशू ADR GDR, इन्वेस्टर जो डिपॉजिटरी बैंक रहती है वो इशू करती है, क्या इशू करती है, ADR और GDR, किसको, इन्वेस्टर को, अगेन देयर शेयर्स के अगेंस्ट में। ADR एंड GDR सो इशू कैन बी सोल्ड टू द इन्वेस्टर फॉरेन करंट कंट्री में सोल्ड करने के लिए। आगे यहाँ पे लिखा है, दे आर लिस्टेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड इन द लाइक रेगुलर शेयर, ठीक है, स्टॉक फॉरेन एक्सचेंज में रेगुलेट होता है यहाँ पर शेयर। आगे लिखा है, कंपनी पे डिविडेंड, कंपनी क्या पे करती है, डिविडेंड पे करती है यहाँ पर, कंपनी पे डिविडेंड ADR GDR इन द होम करेंसी टू फॉरेन डिपॉजिटर, जो फॉरेन के इन्वेस्टर रहते हैं उनको होम कर, जो जैसे इंडिया से कोई इंडिया का शेयर्स कोई फॉरेन में खरीदा है, तो हम लोग जो डिविडेंड पेमेंट करेंगे वो इंडियन करेंसी में पेमेंट करेंगे डिपॉजिटर का, बैंक कन्वर्ट और बैंक वहां की कन्वर्ट करके उसको इन्वेस्टर को उसके खुद के बोलते ना खुद के जो करेंसी रहेगा उसमें दे देगी। तो ये ADR GDR होता है, जो अमेरिका में जो ट्रेड होता है उसको ADR बोलते हैं, जो अमेरिका छोड़ के अदर कंट्री में ट्रेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, GDR बोलते हैं। ये किसके लिए होता है, जो फॉरेन कंट्री के कंपनी रहती है उनके ट्रेडिंग करने के लिए। फिर कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, ये आप लोग ने आई होप पढ़ लिए रहोगे, ठीक है, कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, ये OCM में भी है, नहीं तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैं शॉर्टकट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉमर्शियल बैंक क्या रहती है, जो बिजनेस करने के लिए रहती है, जैसे SBI बैंक हो गया या यूनियन बैंक हो गया, ठीक है, ये सब कौन सी बैंक हो गई, कॉमर्शियल बैंक हो गई। यहाँ पर इसके कुछ यहाँ पर दिया कि इसके इनोवेटिव स्कीम इंट्रोड्यूस बाय कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, तो जैसे इसकी कुछ स्कीम, ओवरड्राफ्ट कोई फैसिलिटी होती है, कैश क्रेडिट रहता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो रहता है करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो फिर भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर पैसा मिल जाता है। कैश क्रेडिट भी ऐसे होता है, ठीक है, कैश क्रेडिट क्या होता है यहाँ पर, अंडर दिस स्कीम बोरोइंग
borrowers require the open the separate bank account open करना पड़ता है where the bank deposit or credited the certain amount on the basis of security given by the कुछ security के बेस पे उन लोग को पैसा मिल जाता है cash loan भी मिलता है under इसके sanction होता है amount loan का ठीक है तो ये सब इसके कुछ नए नए स्कीम है यहाँ पर तो डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होता है ये भी आप पढ़ सकते हो ठीक है इसको मैं बता देता हूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होता है इंडिपेंडेंट फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड टू ब्रिंग द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या लिखा है यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बाद फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर टू ब्रिंग रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द कंट्री में लाने के मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाने के इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस मीडियम और लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए टू न्यू कंपनी के लिए एंड बिजनेस इंटरप्राइजेस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हैव द एस्टैब्लिश द स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एस्टैब्लिश किया जैसे IDBI, TFCI, LIC, SFC एक्सेट्रा ये सब क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं अभी ये सब आपको दो मार्क्स में पूछा जा सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होता है एक यहाँ पर ट्रेड क्रेडिट क्या होता है ट्रेड क्रेडिट क्या होता है ट्रेड क्रेडिट आर इम्प्लीस दैट फैसिलिटी इन विच द ट्रेडर और बिजनेसेस हु परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है ट्रेड क्रेडिट इम्प्लाइज द फैसिलिटी मिलता है इन विच द ट्रेडर जो ट्रेडर रहते हैं बिजनेसमैन रहते हैं हु कैन हु परचेस द गुड्स ऑन क्रेडिट में गुड्स को परचेस कर सकता है अलाउ टू डिले इन द पेमेंट ठीक है अलाउ टू डिले इन द पेमेंट यदि पेमेंट वो लेट भी कर सकता है ठीक है अलाउड किया जाता है इट इज द कॉल्ड द नॉन कैश लोन भी इसको हम लोग बोलते हैं It result out the credit sales of goods or services which the consumer has to pay in the future. जहाँ पे क्या होता है यहाँ पर it result जिसे out होता है credit sales of goods and services which consumer has to be paid in future date में pay किया जाता है. The credit period is the granted and the extended because the custom has been built up the over long period. इससे अच्छा relation मिलता है ठीक है और अच्छा business आप कर सकते हो. Trade credit creditors are supply sell the goods or services on credit and allow 30 day or more वो लोग बिल को पेमेंट का क्रेडिट देते हैं मतलब उधारी में सामान को खरीदने बेचने के लिए ट्रेड क्रेडिट किया जाता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट इसके जो चैप्टर स्टूडेंट वो करेंगे ठीक है ये सब भी शॉर्ट नोट्स के लिए आपको इंपॉर्टेंस है इसको पढ़ लेना तो यहाँ पर हम लोग दो चैप्टर यहाँ पर पूरे कवर हो गए नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 SP का करेंगे तो पूरा जो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट उसे आप उसके थ्रू पूरा SP को शॉर्टकट तरीके से इजी वे में पढ़ सकते हो इसके जो बाकी के आपके जैसे इसका क्या बोलते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन है इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा थैंक यू सो मच